हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है और स्पोर्ट्स टॉक ने आपको पहले ही बताया था कि राहुल द्रविड़ प्लानिंग में लगे हुए हैं कि उन खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा करें जो कि हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम के साथ खेलते हुए नजर आए, और ऐसे खिलाड़ी जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स में है उनको NCA में बुलाया जा रहा है, और उसी क्रम में अब हार्दिक पांड्या भी NCA में आ चुके हैं। जी हां, ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी कि वो NCA जाने वाले हैं, लेकिन अब कंफर्म्ड न्यूज आ चुकी है कि वो NCA में। और आपको ये भी बता दूं कि हालांकि जो ये एक तरीके से कैंप था 10 दिन का, वो 15 तारीख को खत्म होना था, यानी कि आज खत्म होना था, लेकिन हार्दिक पांड्या अभी 2-3 दिन और वहां पर रुकेंगे। सूर्य कुमार यादव के साथ अभी अभ्यास कर रहे हैं भारतीय टीम की, और एक और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी जो कि इस समय कैंप का हिस्सा है, और उनके साथ वो अभी अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। और 17 या 18 तारीख को हार्दिक पांड्या वापस जो है वो गुजरात टाइटंस के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि 17 तारीख से गुजरात टाइटंस का भी अब कैंप चालू होना है। लेकिन हार्दिक पांड्या इस समय NCA में है, और इसलिए NCA में बुलाया गया क्योंकि राहुल द्रविड़ की ये सोच थी कि हार्दिक पांड्या स्कीम ऑफ थिंग्स में है T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए, और हो सकता है कि भारतीय टीम में वो जगह बनाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे IPL में या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गेंदबाजी नहीं करेंगे, अगर कैंप में गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय टीम ज्यादा एंटरटेन करने वाली हार्दिक पांड्या को। बाकी मैनेजमेंट का यह फैसला होगा, लेकिन अच्छी बात यह है अगर आप हार्दिक पांड्या के फैंस हैं कि कम से कम वो कैंप में पहुंच चुके हैं इस समय, और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि क्या वो इस IPL में गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी भी बरकरार है, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाए, और इसीलिए हम कहते हैं कि फिट हार्दिक पांड्या इज अ हिट हार्दिक पांड्या। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। लेकिन आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार इसी तरीके से बनाकर रखिएगा।